हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मनिका पाल और आज हम बात करने जा रहे हैं बॉटनी एज अ करियर ऑप्शन। इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेस के अलावा भी इंडिया में हज़ारों ऐसे करियर ऑप्शन हैं जो कि काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं करियर का, लेकिन लोग उसके बारे में कम जानते हैं, कम लोग उसके बारे में जानते हैं, या तो फिर लोगों को इतना पता नहीं है कि ये कितना पोटेंशियल रखता है। इसके कारण इसमें लोग कम हैं और यही कारण है कि इसमें कंपटीशन भी कम है और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर बात करें बॉटनी की, क्योंकि आई एम बॉटनिस्ट, आई डन माई बी एस सी इन बॉटनी, एंड आजकल बॉटनी में टेक्नोलॉजी के आ जाने से इतने ज़्यादा करियर ऑप्शन आ चुके हैं, जबकि बॉटनी एक बेसिक सब्जेक्ट है। बेसिक सब्जेक्ट मतलब बहुत पुराने ज़माने से आ रहा है, सब कोई इसके बारे में जानता है, काफ़ी लोग इसमें बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी लिमिटेड पता है। या तो वो गवर्नमेंट जॉब को देखते हैं या तो वो प्राइवेट जॉब को देखते हैं, जो कि काफ़ी कम अमाउंट में वो लोग जानते हैं। टेक्नोलॉजी के आने से क्या फ़ायदा हुआ है, एक वर्चुअल वर्ल्ड खुल गया है। वर्चुअल वर्ल्ड में कई टाइप के काम होते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और उसके लिए लोग आपको पे करते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में क्या होता है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ नहीं होती। आप इंडिया में काम कर सकते हैं, आप बांग्लादेश में काम कर सकते हैं, आप श्रीलंका में काम सकते हैं, आप अमेरिका में काम कर सकते हैं, आप रशिया से काम ले सकते हैं, आप जापान में काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप जितना चाहे उतना अपना वाइड अपना करियर फैला सकते हैं इन वर्चुअल वर्ल्ड। अब अगर हम नॉर्मल बात करें कि अगर आपने बीएससी करने की सोच रहे हैं बॉटनी से या तो फिर एमएससी करने की सोच रहे हैं, तो आपके पास करियर ऑप्शन क्या है एज अ स्टेबल करियर ऑप्शन। रिसेंटली आई एम वर्किंग फॉर डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट वेबसाइट एज अ कंटेंट क्रिएटर, सो आई नो कि फ्रीलांसर काम करना कैसा होता है, या तो फिर अगर हम पार्ट टाइम जॉब के लिए या तो फुल टाइम जॉब अगर इसको हम बनाना चाहें, तो हमें कैसा कैसे काम करना है और किस तरीके से हमें अपना मैनेज करना है स्टडीज़ और अपना करियर। हमने ये लिया है एज अ कंटेंट क्रिएटर काम एज अ पार्ट टाइम जॉब, बिकॉज मुझे बाकी जो अपना एकेडमिक थी उस पर भी ध्यान देना था, मुझे अपनी पीएचडी के लिए भी तैयारी करनी थी, इसीलिए मैंने एज अ फ्रीलांसर काम करना शुरू किया। लेकिन अगर कोई फुल टाइम काम करना चाहे, बॉटनी फील्ड में अपना पूरा करियर बनाना चाहे, तो इंडिया में उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, तो पहला आ जाता है एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। एकेडमिक में आपका आ जाता है टीचिंग एंड रिसर्च फील्ड। अब एकेडमिक में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, एमएससी। एमएससी इज़ द ओनली ऑप्शन जिससे आप एकेडमिक में आगे बढ़ सकते हैं। अब एमएससी ज़रूरी नहीं है कि आपने बीएससी बॉटनी से की है तो आपको एमएससी भी बॉटनी से करना ज़रूरी है। आप एमएससी कर सकते हैं बॉटनी से, माइक्रोबायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चर से। कानपुर में एक बहुत अच्छा कॉलेज है जिसे लोग कहते हैं पत्थर कॉलेज, अगर आपको उसके बारे में पता है तो कमेंट डाउन कि आपको उसके बारे में पता है, और वहाँ की पढ़ाई बोलते हैं बेस्ट होती है इन एग्रीकल्चर। सो ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं जिससे कि आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। टीचिंग फील्ड में जाने के लिए मैं एमएससी करने पे जोर क्यों डाली, क्योंकि स्पेशलाइजेशन होता है, लोग आप पे भरोसा करते हैं आपकी सब्जेक्ट को लेके। अगर आप बॉटनी से एमएससी किए हुए हैं तो लोग समझते हैं कि आपको एक लेवल की जानकारी होगी, जो कि होना भी ज़रूरी है। सिर्फ नाम के लिए एमएससी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आजकल हर जगह कॉम्पिटिशन है, या तो आपको कॉम्पिटिशन बीट करना है या तो अपने आप का टैलेंट आपको शोकेस करना है। इसके अलावा अगर रिसर्च फील्ड की बात की जाए, तो रिसर्च फील्ड में जाने के लिए एक पेपर होता है सीएसआईआर नेट, उसकी आपको तैयारी करनी होगी, एंड देन आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च ऑप्शंस के लिए इन बॉटनी आई फील आईएएससी बेंगलोर एंड बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी जो है लखनऊ में, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब वो पैलियो साइंस हो गया है, पहले पैलियो बॉटनी था। सो ये करियर ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भी कई हैं, आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए देखिए कि कहाँ पर इंडिया में सबसे बेस्ट है रिसर्च। इसके अलावा भाभा इंस्टीट्यूट, ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो रिसर्च वर्क में काफ़ी अच्छा पैसा देते हैं। शुरुआत यहाँ पर 28-25 हज़ार से होती है, और फिर आप जैसे जैसे स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने काम में, वो बढ़ती ही जाती है। इसके अलावा बात करें हम नॉन एकेडमिक में, तो पब्लिक सेक्टर आ जाता है। अब पब्लिक सेक्टर में जो बीएसआई, आईसीएआरआई, इसके अलावा आईएफएस, यूपीएससी, सीएससी, ऐसी कई ज़्यादा फील्ड आ जाती हैं जहां पर आप अपने बॉटनी को लेके अपना करियर बना सकते हैं। बीएसआई एंड आईएफएस
एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है बॉटनी के. BSI इज़ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड IFS इज़ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, एंड ICARI दैट इज़ इन इंडियन सेंटर एंड समथिंग एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मिस कर गया सॉरी. सो ये है कुछ सेक्टर्स जहाँ पर बॉटनी की बहुत बड़ी मांग है. अब यहाँ पर किस टाइप की होती है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आजकल काफ़ी कम हो चुकी हैं एज अ साइंटिस्ट जॉब, बट एज अ प्रोफेसर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड रिसर्च असिस्टेंट एंड रिसर्च प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ये काफ़ी ज़्यादा हैं जॉब्स. इनकी शुरुआत भले ही आपकी 15-20 हज़ार से हो, लेकिन 3-4 साल में आपका 10% तक इंक्रीज होता है सैलरी में. सो आपकी सैलरीज कुछ 35-40 के आसपास पहुंच जाती है इन अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम. सो ये हो गया पब्लिक सेक्टर की बात. अगर हम करें प्राइवेट सेक्टर की बात, तो प्राइवेट सेक्टर बॉटनी में इतना ज़्यादा ब्लूम कर रहा है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज से 5-10 साल बाद क्या लेवल होगा प्राइवेट सेक्टर का. इसका कारण क्या है? आजकल लोगों का ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ झुकाव होना, आजकल लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, गार्डनिंग की तरफ जा रहे हैं. लोगों को जानकारी चाहिए कि वो अब पोल्यूशन से टैकल करने के लिए कैसे पेड़ों का इस्तेमाल करें, वो अपने आसपास कैसे हरियाली रखें. ग्रीन इंडिया मूवमेंट एंड सेव अर्थ मूवमेंट एंड डिफरेंट थिंग्स जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, एक तरीके से माहौल बना रही हैं कि बॉटनिस्ट का प्राइवेट सेक्टर ब्लूम हो. इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको एब्जॉर्व करती हैं जो चीज़ें जो बॉटनी को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व करती हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर फार्म. एग्रीकल्चर फार्म में आपको लगता होगा क्या कराएंगे वो लोग, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट में प्रोसेस होता है, दैट इज सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ एंड डिफरेंट फील्ड सॉइल, इन सब के बारे में स्टडी होती है. और उसमें उनको रिसर्चर्स की या तो MSc जो करे हुए स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है. इसके बाद एनवायरमेंटल फार्म्स. एनवायरमेंटल फार्म्स में और भी इसी तरीके का होता है, लेकिन इसमें कई चीज़ें जुड़ जाती हैं, जैसे बायोगैस प्लांट्स एंड डिफरेंट चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं जो कि सिर्फ बॉटनी तक सीमित नहीं रहती हैं. इसीलिए इनको एनवायरमेंटल फार्म्स कहा जाता है. और यहाँ पर आपको अपना टैलेंट शोकेस करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है. अगर आप किसी चीज़ में स्पेसिफिक हैं और आपको अगर शो करना है, तो ये बहुत अच्छी जगहें हैं जहाँ पर अपना आप टैलेंट शोकेस कर सकते हैं. इसके अलावा भी कई फील्ड्स हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है. इसके अलावा अगर आप चाहें तो मैं आपको 100 से ज़्यादा ऐसे काम गिनवा सकती हूँ जो कि बॉटनी में अभी चल रहे हैं, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं. ना ही सिर्फ प्राइवेट पब्लिक इन सब सेक्टर्स में, लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस खोल रहे हैं बॉटनी की स्टडी से. जैसे कि आप नर्सरी का बिजनेस खोलते हैं, या तो फिर आप सीड बिजनेस खोलते हैं, या तो आप मैन्योर बिजनेस खोलते हैं. आज ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ फर्टिलाइजर्स में कमी की भी बात की जा रही है, जिसके कारण जो मैन्योर है उसका प्रोडक्शन हाई हो गया, उसकी सेलिंग हाई हो गई है, जिसके कारण बॉटनिस्ट जो हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है. जिन्होंने एग्रीकल्चर से अगर BSc MSc की है तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है, क्योंकि इसके बाद लोग स्पेसिफिक चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट आए और उनको बताए कि क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ नहीं है. क्योंकि आजकल डिमांड के हिसाब से जो काम होता है उस पे ही बिजनेस टिका हुआ है. तो आजकल जो लोगों की मांग है वो अच्छा क्वालिटी और पेस्टिसाइड फ्री खाने की है. तो लोग चाहते हैं कि एज अ बॉटनिस्ट या एज अ एग्रीकल्चरल आपको पता हो कि बिना पेस्टिसाइड के, बिना किसी हानिकारी चीज़ के, आप कैसे अपनी एग्रीकल्चर को ब्लूम कर सकते हैं. और यहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज काम आती है, आपका सिर्फ थोड़ा सा सजेशंस आपको सैलरी दिला सकता है. इसके अलावा अगर आप प्राइवेट में फ्रीलांसर भी काम करना चाहें तो बहुत सारे काम हैं. रिसेंटली आई एम ऑल्सो डूइंग, मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकती, लेकिन आई एम ऑल्सो डूइंग वर्क फॉर अ वेबसाइट जहाँ पर मैं कंटेंट क्रिएटर की तरह काम करती हूँ. आप भी कई सारे ऐसे काम कर सकते हैं. इसके अलावा पेलेंटोलॉजी, जियोलॉजी, फॉरेंसिक साइंसेस भी ऐसी कई सारी फील्ड्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ शो योर सपोर्ट, ताकि मैं जान सकूँ कि आप लोगों को किसके बारे में जानना है. कमेंट कीजिए आपको किसी भी फील्ड के बारे में जानना हो और उसके करियर ऑप्शंस के बारे में जानना हो. इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, ताकि इसी तरीके की जितनी भी आपने स्लाइड्स में अमेजिंग फ़ोटोज़ देखी हैं वैसे आपको फ़ोटोज़ देखने को मिले.
और आप मेरे से पर्सनल टच में रह सकें ताकि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे जिसका मैं जवाब दे सकूं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।